good afternoon, students. Hope you all are fine. Today we gonna start a new topic, that is our knowing our body. The first thing we have to learn, that is our organ. The organ is made up of cells. Cells, it's a very smallest unit of life. It is called cell. What is cell? Cell, which is a basic and smallest unit of life, is called cell. बहुत सारे same kind of cell जब एक साथ मिल जाते हैं और एक tissue form करते हैं. क्या form करते हैं जब cell मिलते हैं? एक tissue form करते हैं. और जब different kind of tissue मिल जाते हैं और एक organ form करते हैं. क्या form करते हैं? ऑर्गन फॉर्म करते हैं. और जब बहुत सारे ऑर्गन मिला के एक साथ काम किया जाता है उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. लो लेट्स रिकॉल व्हाट इज सेल. सेल इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज अ बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. और बहुत सारे सेम काइंड ऑफ सेल एक जब मिल जाते हैं एक टिश्यू फॉर्म करते हैं. और जब ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज मिल जाते हैं तब ऑर्गन फॉर्म करते हैं. और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. हमारे ऑर्गन के दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन. कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन. एक्सटर्नल ऑर्गन वो पार्ट होते हैं जो हमें विजिबल होते हैं. विच पार्ट वी कैन विजिबल, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन. जैसे कि हमारे शोल्डर्स, हैंड्स, आर्म्स, फीट, ये सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के कुछ पार्ट है. स्टूडेंट्स, कैन एनीबडी गिव मी एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स? एनीबडी? एनीवन? Yes, good. Yes, legs are also a part of external organ. Yes, good. और हमारे external organ में जो कुछ ऐसे organs होते हैं like eyes, nose, ear, tongue और skin, जिसे बोला जाता है sense organ like eyes, nose, ear, टंग एंड स्किन. इसे हम सेंस ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आईज जिससे हम देख सकते हैं, नोज जिससे हम किसी चीज को स्मेल कर सकते हैं, ears जिससे हम सुन सकते हैं, टंग जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं और स्किन जिससे हम फील कर सकते हैं. इसीलिए इन सब चीजों को सेंस ऑर्गन बोला जाता है. अब आते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन पे. इंटरनल ऑर्गन वो है जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हमारे बॉडी के अंदर. हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन सबको बोला जाता है इंटरनल ऑर्गन. दैट मीन्स ऑर्गन दैट विच आर इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली. This is called internal organs. Internal organs like lungs, kidney, brain, stomach, heart. These are examples of internal organ. Now come to brain. Brain is the most important part of our body. Brain ka kaam kya hai? Brain hame kisi cheez ko sochne pe, problem solve करने पे, किसी चीज का डिसीजन लेने पे, कम्युनिकेट करने पे, किसी चीज को फील करने पे हेल्प करता है. ये ब्रेन हमारे मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है. किसे कंट्रोल करता है? मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है. और ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है. अब वॉलेंट्री एक्शंस क्या है? वॉलेंट्री एक्शंस है जैसे कि क्लैपिंग, रीडिंग, ईटिंग. These all are called voluntary actions. और ये हमारे involuntary actions को भी control करता है. Involuntary actions like breathing and blinking. Brain के
तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम. ओके, दिस इज आवर ब्रेन, दिस वन इज आवर ब्रेन. ओके, सो नाउ व्हाट इज सेरेब्रम? सेरेब्रम इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का होता है, उसे कहते हैं सेरेब्रम. ये किसी चीज को इमेजिन करने में, किसी मैसेज का रिएक्ट करने में, किसी को सेंस करने में और किसी इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर करने में हेल्प करता है, उसे कहते हैं सेरेब्रम. सेरेब्रम यहाँ होता है, सी दिस वन द अपर पार्ट, दिस वन इज सेरेब्रम. और सेरेबेलम, सेरेबेलम जो सेरेब्रम के नीचे होता है, ये सेरेब्रम, ओके, ये सेरेबेलम, ठीक है, सेरेब्रम के नीचे सेरेबेलम, दिस वन इज सेरेबेलम, दिस वन, ओके, सेरेबेलम. जो सेरेबेलम जो हमारे मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारे फिजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है. अब आते हैं मेड्यूला, मेडेला ओब्लांगा. इट कनेक्ट्स आवर ब्रेन टू विद द स्पाइनल कॉर्ड. व्हाट? दिस वन इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज आवर बैक. दिस बोथ कनेक्ट एंड लोकेटेड अबव द नेक. इट इज द अबव द नेक. दिस साइड इज अ मेडेला ओब्लांगा. ओके, इट कंट्रोल, ये हमारे ब्रीदिंग, हार्ट फंक्शन और डाइजेशन को कंट्रोल करता है. ओके स्टूडेंट, यू गॉट ऑल द पॉइंट्स? एनी डाउट यू कैन आस्क मी. रेज योर हैंड. नाउ कम टू हार्ट. दिस वन इज आवर हार्ट. ओके, दिस वन, सी दिस. अ हार्ट इज अ मस्क्यूलर एंड हॉलो स्ट्रक्चर. इट इज अ काइंड ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर which located in our chest, हमारे chest में पाया जाता है, जो हमारे body का थोड़ा सा left side में मिलता है. और हमारा जो heart है वो हमारे fist के बराबर होता है. This one, मुट्ठी, you can see this fist, this is called fist, मुट्ठी, okay? ये fist के बराबर होता है हमारा heart. और हमारा heart blood को पंप करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है. और जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स इन अ सेंस व्हिच द ब्लड फ्लोस, दैट्स अ प्यूरिफाई काइंड ऑफ ब्लड, इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स. जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमारे ब्लड को हार्ट से कैरी करते हैं और बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचाते हैं. उन सबको बोला जाता है आर्टेरीज. और ब्लड वेसल जो ब्लड को वापस हार्ट में लाते हैं और बाकी सारे अदर पार्ट में पहुंचाए जाते हैं, उसे कहते हैं वेन्स. क्या होता है आर्टेरीज और वेन्स? आर्टेरीज विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट. एंड व्हाट इज वेन्स? वेन्स विच ब्रिंग्स back to the heart, which brings blood back to the heart, is called veins. Now come to lungs. This one is our lungs. Okay, lungs is placed inside our chest cavity. हमारे chest cavity पे पाए जाते हैं. और यहाँ दो टाइप के lungs है, मतलब एक right lungs and left lungs. जो left lungs है वो थोड़ा सा छोटा होता है राइट लंग्स से. और लंग्स हमें ब्रीद करने में हेल्प करता है. लंग्स हमें क्या करने में हेल्प करता है? ब्रीद करने में हेल्प करता है. जब हम ब्रीद इन करते हैं, मतलब हम जब सांस लेते हैं, तब ऑक्सीजन को फिल्टर किया जाता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं. जब हम ब्रीद इन करते हैं वी फिल्टर ऑक्सीजन. व्हेन वी ब्रीद इन वी फिल्टर गुड ऑक्सीजन, एंड व्हेन वी ब्रीद आउट देन वी एक्सपेल
carbon dioxide. What we expel? Carbon dioxide. Now come to stomach. This one is stomach. The upper part is called food pipe. Okay. This mid stomach and this last one is small intestine. When we eat, जब हम कोई खाना खाते हैं और वो हमारे मुंह से लेके एक छोटे से पाइप लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए हमारे स्टोमक में जाता है, वो छोटा सा जो पाइप है उसे कहते हैं फूड पाइप. क्या कहते हैं? फूड पाइप. और ये एक बहुत इलास्टिक ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन के अपर मिलता है. ये देखो, यहाँ दिस वन इज एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन. This one is food pipe. That's a pipe, small pipe. This is called food pipe. Okay. ये जो food pipe है वो store और हमारे food को churns करता है हमारे strong muscle, with its strong muscle, हमारे strong muscle के साथ. हमारा जो food है वो small intestine से release हो जाता है, निकल जाता है digestion के बाद. डाइजेशन के बाद जब हमारा फूड पाइप आया, खाना आया, हमने खाना खाया, फूड पाइप से आया, फूड पाइप पे गया, एंड देन इट केम टू स्टोमक. ओके, देन व्हेन देन आफ्टर डाइजेशन, डाइजेस्ट हेयर, डाइजेशन, देन इट एक्सट्रैक्ट एंड रिलीजेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. इट रिलीजेस फ्रॉम दिस स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नाउ कम टू किडनीज. Kidneys, this is called kidney. Two kidneys. We have two kidneys. In human bodies, we have two kidneys. Kidney is basically a bean-like, a bean-shaped organ. Bean in a sense. Have anybody seen rajma? Right? Rajma. That kind of shape kidney have. Its region up. This kidney organ is in the abdominal region. Abdominal region mein hota hai. We have two kidneys, right kidney and left kidney. Hamara jo urine, kidney ka kaam hai, jo hamara jo urine se hamare excess amount of salt and waters ko hamare body se remove karna. Okay, that it removes the excess amount of water and salt from our body in the form of urine. Okay, so we studied about our body part. Okay, let's do some question and answer. Dash is a number one. Dash is the basic unit of life. Which one is basic unit of life? Answer, yes, answer is cell. Okay, second one, the organ that are visible to us are called, which way visible to us? Which organ? External organ. Good. Yes. Eyes and ears are what? Eyes and ears are? We sense it. Yes. This is called sense organ. The organ that are inside the body are called, which organ is inside the body are called? Internal organ. Yes, good. Dash is the largest part of brain. Which one is the largest part of brain? We just studied. Which one? Cerebrum. Yes, cerebrum. Dash control our muscle movement and helps maintain physical balance. Which one is our muscle movement and helps physical balance? Which one physical balance? Cerebellum. Yes. Cerebellum is just under the cerebrum. Okay. The answer is cerebellum. Dash carries blood from the heart to the other part of the body. Which part carries blood from the heart? Yes. Arteries. Good. And which bring blood back to the heart from the other part of the body? This is veins. Yes, veins. It is an elastic organ located in upper abdomen. Which is the elastic organ? And it's located in upper abdomen. Which one?
Stomach. Good. Now, dash filter and removes excess salt and water from our body. Anybody? Which one? Kidneys. Good. Kidneys. Very good type of cells. What is cell? Answer me, what is cell? Yes. Cell is a basic and smallest unit of life. The cell is a basic and smallest unit of life. What is tissue? What is tissue? Yes. Tissue is a group of cells that are similar and a structure that function together as a unit. The all the same kind of cell is made up of and form a tissue. Yes. What is organ? The different kind of tissues are made up of and form a organ. Yes. What is organ system? When the many organs join together and it's form a organ system. How many parts consist of how many part consist of brain? How many part? 3 part. Cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Name the organ shaped is like a bean. Which one? Kidneys. Good. Right to voluntary action. Voluntary action. Which are voluntary action? Clapping, walking. Okay. Right to involuntary action. Involuntary action. Breathing and blinking. Okay. Okay, students. So that's all for today's class. Thank you so much. I hope you all learned something. And is there any doubt? Anybody? You can ask me. Okay. Thank you. So that's all for today's class. Let's call it a day. I hope. Thank you so much.